लखनऊ से। 2024 की तैयारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। सीएम योगी की चित्रकूट मंडल समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने चित्रकूट धाम मंडल में कार्य विकास कार्य जहां चल रहे हैं वो कितनी तेज गति के साथ चल रहे हैं, कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं है, इस पर नजर रखी, इसकी समीक्षा की है। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जनपदीय निवेशक सम्मेलन हो, ये बात सीएम योगी की तरफ से कही गई। हर तहसील मुख्यालय पर स्थापित होंगे अग्निशमन केंद्र। इसके अलावा विकास परियोजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ टच में हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। विकास परियोजनाएं कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई फीडबैक लेते हुए उस पर नजर बनाए हुए हैं। चित्रकूट मंडल के विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की और इस तरह से कहा जा रहा है 2024 की तैयारियों में अभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए दिखाई देने लगे। रामानुज भट्ट हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रामानुज, एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन 2024 के लिए हो रहे हैं तैयार। देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है मंडलों की बैठक कर रहे हैं, और इससे पहले जब निकाय चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी शुरुआत में, और तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंडलों के अंदर दौरा करके जो है सैकड़ों करोड़ की परियोजना का जो शिलान्यास और लोकार्पण किया था। और ऐसे में अगर बात की जाए, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 के लिए तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलों की बैठक रखी है, और इसमें अभी चार मंडलों से ऊपर की बैठक हो चुकी है। आज चित्रकूट मंडल की बैठक थी जिसमें तमाम जो है जानकारी ली, जो जनप्रतिनिधि उनसे बातचीत करी, उनसे जाना कि कितना विकास उनके क्षेत्र में हो चुका है और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो पूरी होने वाली हैं। और ऐसे में शिल्पा अगर बात की जाए तो 5-5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है हर विधायक और हर सांसद जो है राज्य सरकार को बताए, और राज्य सरकार उस पर जो है धन अवमुक्त करेगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पिटारा भी जो है विकास कार्य के लिए खोल दिया है कि हर जनपद का जो जनप्रतिनिधि है वो बताएगा कि आखिर कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको जल्द से जल्द कराया जा सकता है, और उनके लिए 5 करोड़ रुपए की माना जा रहा है कि धनराशि अवमुक्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि विकास भी होगा, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि निवेश को लेकर जो है हर जिले में निवेश को लेकर जो है एक बैठक की जाए जिले के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ, ताकि जिलों में इन्वेस्टमेंट कराया जाए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या होती है अग्निशमन की, जब गर्मी के मौसम के अंदर जो है कहीं भी आग लग जाती है, इस दौरान जो है जिले के मुख्यालय से जो है अग्निशमन की गाड़ियां आने में देर हो जाती है। तो इसको भी खास ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है, और ऐसे में जल प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए रखा है कि हर जो तहसील क्षेत्र है उस पर जो है अग्निशमन केंद्र बनाया जाएगा। हाँ। जिससे जो है जब फसलें तैयार होती हैं, जब गेहूं की फसल में कभी एक बार देखा होगा कि आग लग जाती है, तो ऐसा ना हो, उसके बचाव के लिए जो ठोस कदम उठाया जा सके, जिसके लिए हर तहसील पर अग्निशमन केंद्र बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है कि उत्तर प्रदेश के गाँव का भी विकास हो, जिले का भी विकास हो और पूरे प्रदेश का विकास हो उसी जल। और जाहिर तौर पर जब सांसदों के साथ विधायकों के साथ ताबड़तोड़ बैठक कोई मुख्यमंत्री करे और उसके बाद रामानुज लगातार वो समीक्षा बैठक करने के लिए निरीक्षण और जायजा लेने के लिए धरातल पर उतरे, तो जाहिर तौर पर तमाम जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक जोश बना रहता है और एक अलर्टनेस का माहौल देखने को मिलता है। उन्हें भी इस बात का खौफ होता है कि मुख्यमंत्री साहब कभी भी आ सकते हैं जायजा लेने के लिए, समीक्षा करने के लिए, तो वो भी इस तरह से अपनी तैयारियां पुख्ता रखने की कोशिश करते हैं। देखिए जाहिर सी बात है शिल्पा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वो वाकई तमाम अन्य जो मुख्यमंत्री हैं उनसे अलग है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपनी घोषणाओं को ही नहीं करते हैं, घोषणाओं के करने के बाद जो है जमीन पर वो घोषणा कितनी असर करी है, कितना जो है जनता को लाभ पहुंचा है, उसके लिए सीधा निरीक्षण करने चले जाते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जो है निरीक्षण करके जो है तमाम जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की है जिन अधिकारियों ने अपने काम में कोताही बरती है। और अर्जुन सहायक परियोजना जो चित्रकूट के लिए इस समय एक वरदान सिद्ध हो रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करी कि उसमें और क्या कुछ किया जा सकता है, उनसे किसानों को और कैसे लाभ दिया जा सकता है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि हर मंडल की जो बैठक हो रही है वो वाकई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
खुद खाका जाना है कि आखिर जिन जिन कार्यों का विकास कार्य जो मंडल में होने चाहिए थे किस रूपरेखा से चल रहे हैं और कित गति से चल रहे हैं, और अगर कोई गलती या यूं कहें कि कोई कमी पाई जा रही है तो उसके ऊपर भी मानिए कि आने वाले समय में अधिकारियों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। हालांकि जो फीडबैक लिया जा रहा है सभी सांसद सभी विधायकों से वो इसीलिए लिया जा रहा है ताकि 2024 के लक्ष्य से पहले जो है कई ऐसी परियोजनाओं को पूरा करके जो है जमीन पर धरातल पर उतार सके और इसके साथ जनता के बीच जाकर ताल ठोकी जा सके।